सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। आज 8 जुलाई शनिवार का दिन, शनिवार का दिन हनुमान जी और शनि देव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी और शनि देव की पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान, देखें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। मेष राशि वालों की वाणी में मधुरता रहेगी, आत्मविश्वास भी अधिक रहेगा, कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा परंतु कुछ कार्य बढ़ सकता है, संयत रहे। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, परिवर्तन भी संभव है, मित्रों का सहयोग मिलेगा। वृष राशि वालों का मन परेशान हो सकता है, व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचे। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, आय में वृद्धि होगी, संयत रहे। अपनी भावनाओं को वश में रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, खर्चों की अधिकता रहेगी, पिता का साथ मिलेगा, व्यर्थ के विवादों से बचने का प्रयास करें। धार्मिक कार्यों में व्यस्तता हो सकती है, मीठे खानपान में रुझान बढ़ेगा, परिवार की समस्याओं से परेशान रहेंगे। कर्क राशि वालों का मन परेशान रहेगा, आत्मसंयत रहें। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाकर रखें, नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चिकित्सीय खर्च बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा की भाव रहेंगे। सिंह राशि वालों में आत्मविश्वास में कमी रहेगी, शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जा सकते हैं, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, खर्चों की अधिकता रहेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, जीवन साथी से वाद विवाद से बचे, वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, आत्मसंयत रहे। कन्या राशि वाले संयत रहे, धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें, परिवार का साथ मिलेगा, कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है, सेहत का ध्यान रखें, मानसिक शांति रहेगी, परिवार में भी सुख शांति रहेगी, किसी मित्र के सहयोग से धनार्जन के साधन बन सकते हैं। तुला राशि वालों के मन में शांति एवं प्रसन्नता रहेगी, आत्मविश्वास अधिक रहेगा, कारोबार में परिवर्तन की संभावना बन रही है, लाभ के अवसर मिलेंगे, यात्रा पर जा सकते हैं, क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें, भवन सुख में वृद्धि हो सकती है, किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा एवं कार्यक्रम बन सकता है, कारोबार में लाभ में वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, आय में बढ़ोतरी होगी। धनु राशि वाले आत्मसंयत रहे, क्रोध के अतिरेक से बचो, किसी मित्र के सहयोग से आय वृद्धि के साधन बन सकते हैं, परंतु खर्चों की अधिकता भी रहेगी, पिता का साथ मिलेगा, पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी, शैक्षिक या बौद्धिक कार्यों के लिए यात्रा पर जाना हो सकता है। मकर राशि वाले आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, आय में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन अधिक रहेगा, आत्मसंयत रहे, परिवार में आपसी वाद विवाद से बचे, पिता का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि वालों का मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, भवन सुख में वृद्धि हो सकती है, माता पिता का सानिध्य मिलेगा, सुस्वादु खान पान में रुचि रहेगी, कार्यों के प्रति उत्साह रहेगा, परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती है, रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। मीन राशि वालों को पठन पाठन में रुचि रहेगी, शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, नौकरी में कार्यभार में वृद्धि हो सकती है, आय भी बढ़ेगी, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा की मनोभाव रहेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है। प्रतिदिन अपना राशिफल जानने के लिए जुड़े रहें खबरी चौखट के साथ।